हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे चालाक शेर और समझदार बिल्ली की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक शेर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला, पर ये क्या, वह तो एक शिकारी के पिंजरे में फंस गया और लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें से नहीं निकल सका। थोड़ी देर बाद उसने एक आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा। जब आदमी पिंजड़े के पास से निकला तो उसने उससे बड़े ही दया भाव में कहा, अरे भाई मेरी मदद करो, मैं इस पिंजड़े में फंस गया हूँ, सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कृपया मेरी मदद कर दो, वहां गुफा में मेरी शेरनी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी आदमी ने आश्चर्य से उससे कहा, पर मुझे समझ नहीं आता, तुम जैसा समझदार जानवर इतने बड़े पिंजरे में कैसे फंस गया। तभी शेर गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई कुछ ना पूछो, बस तुम मेरी मदद कर दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। तभी वह आदमी बोला, लेकिन मुझे डर है कि यदि मैंने एक बार तुमको पिंजरे से बाहर कर दिया तो तुम मुझे खा जाओगे। तभी शेर बोला, नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ, तुम तो मेरी जान बचाने वाली हो, मैं इतना एहसान फरामोश थोड़े ना हूँ। ऐसा सुनकर उस आदमी को शेर पर दया आ गई और उसने शेर का पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलते ही शेर उसमें से बाहर आ गया और वह धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ने लगा और दहाड़ कर बोला, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ऐसा सुनकर वह आदमी डर के मारे जोर जोर से कांपने लगा और उसने कहा, अभी जब तुम पिंजरे के अंदर थे तो तुम आजाद होने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और अब इतना दहाड़ रहे हो, ये कहां की इंसानियत है। इतने में उसे वहां से एक बिल्ली आती हुई नजर आई और उस बिल्ली को देखकर वह आदमी बोला, देखो जरा इस एहसान फरामोश शेर को, अभी पिंजरे में बंद था तो मुझसे आजादी के लिए गिड़गिड़ा रहा था और पिंजरे से बाहर आते ही यह मुझ पर दहाड़ रहा है, मुझे खा जाना चाहता है। तब बिल्ली बोली, अरे 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 रुको, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे ठीक से बताओ, अच्छा जब तुम यहाँ आए तो शेर कहाँ था, वह किस हालत में था। तो आदमी बोला, शेर पिंजरे में था। तब बिल्ली शेर से बोली, शेर जी क्या आप पिंजरे में जा सकते हैं। अब बिल्ली बोली, और दरवाजा किस हालत में था। तो वह आदमी बोला, दरवाजा बाहर से बंद था। और ऐसा कहकर उसने झट से वह दरवाजा बंद कर दिया और वह सारी बातें विस्तार से बिल्ली को बताने लगा। और फिर जैसे ही वह पिंजरे को खोलने के लिए बढ़ा तभी बिल्ली ने चिल्ला कर कहा, रुको, ये क्या कर रहे हो, मैं तो नाटक कर रही थी ताकि शेर को उसकी धूर्तता का परिणाम मिल सके और उसे वापस पिंजरे में भेजा जा सके, वह एहसान फरामोश है। अब तुम आराम से अपने घर जाओ और इस धूर्त और एहसान फरामोश शेर को यही पिंजरे में बंद रहने दो। ऐसा सुनकर उस आदमी ने बिल्ली को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चल दिया।